लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जो लास्ट टॉपिक था आपका, वो लेफ्ट रिकर्शन था, है ना? हमने क्या पढ़ा था? रिकर्शन। क्या पढ़ा था? रिकर्शन। अब समझिएगा, मैं यहाँ भी ये बता रहा हूँ कि लेफ्ट रिकर्शन को हम लोग रिमूव क्यों करते हैं, है ना? क्या पर्पज है कि हम लोग लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करते हैं? क्लियर है? यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पे कैसा है, जैसे अभी आपने लिखा ए टेंस टू ए अल्फा, और यहाँ पे क्या लिखा है? बी लिखा है यहाँ पर, यस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर कोई स्ट्रिंग दी हुई है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए, समझिए इसका पर्पस क्या है, लेफ्ट रिकर्शन को हम लोग रिमूव क्यों करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है यहाँ पर, यस, कि भाई अगर आपने बोला राइट रिकर्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेफ्ट रिकर्शन, जैसे मैंने ये बोल दिया, ये क्या है? ये आपका लेफ्ट रिकर्शन है, लेफ्ट रिकर्शन, यस या नो, है ना? लेफ्ट रिकर्शन कैसे हुआ? सब लोग बताएंगे लेफ्ट रिकर्शन कैसे हुआ, क्योंकि ये सिंबल जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ए वेरिएबल है और राइट हैंड साइड का जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल है, वो दोनों सेम है, यस। इसका मतलब, और ये इटसेल्फ है, जैसे कॉल कर रहा, मान बोल सकते हैं ए टेस्ट टू ए अल्फा, समझ में आ रहा है? यस। इसलिए क्या हुआ? रिकर्शन हो गया, यस। तो यहाँ पे क्या हुआ? लेफ्ट रिकर्शन है यहाँ पर, यस। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, ए टेंस टू, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अल्फा ए, और मान लेते हैं बीटा, ये है, मान लीजिए, समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या है? इसको बोलते हैं राइट रिकर्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं राइट रिकर्शन, है कि नहीं? यहाँ पे यस या नो, सब लोग बताएंगे। ठीक है, अब सिस्टम कैसा होता है? सिस्टम स्कैन करता है लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट, समझ में आ रहा है? इधर गया, सिस्टम कंटिन्यूस से स्कैन करता है, क्लियर है? अब जो मशीन है यहाँ पे देखिए कैसा हो गया, पर अगर कोई स्ट्रिंग आपकी दी हुई है, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, डब्ल्यू एक स्ट्रिंग दी हुई है, क्लियर है? यस। उसको मैच करके बताना है कि पर्टिकुलर ये आपका ग्रामर है ना, आपके पास मशीन दी हुई है, ठीक है, उसके थ्रू आपको पार्सर होगा वहां पर, ठीक है, आपको चेक करके बताना है कि ये जो स्ट्रिंग है पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ग्रामर के थ्रू जनरेट हो रही है कि नहीं, क्लियर है? यस या नो। तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है, क्या दी है? अल्फा की पावर 4, मान लेते हैं बीटा, ये मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अब आपको ये बोल रहा है कि बताइए, क्या इस ग्रामर के थ्रू ये स्ट्रिंग को हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? यस, सब लोग देख के बताइए, कर सकते हैं? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आप ऐसा करने वाले हो, ए टेंस टू अल्फा ए करने वाले हो, ठीक है, ये वन टाइम हो गया, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अल्फा 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 और बीटा लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर यही है, यस। अब यहाँ पे देखो, मैंने मुझे एक अल्फा चाहिए था, तो मैंने को यहाँ पर ये अल्फा मिल गया, इसके मिल गया। अब क्या चाहिए आपको? सेकेंड अल्फा चाहिए, तो आपने यहाँ पर गया, बोले भाई मेरे को एक बार और प्रोडक्शन चाहिए, मैं एक बार और कॉल करूंगा ए टेंस टू ए अल्फा को, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया? अल्फा ए हो गया, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड वाला अल्फा भी हो गया, ठीक है? फिर बोला भाई थर्ड टाइम भी क्या अल्फा है? थर्ड टाइम भी अल्फा है, ठीक है? तो ये बोला भाई दो अल्फा हो गया, दो अल्फा काउंट कर लिया इसने, है ना? फिर यहाँ पे फिर इसने प्रोडक्शन कॉल कर लिया ए टेंस टू ए अल्फा, तो इसने बोला भाई ठीक है, तीन मैच कर गया हमने, यस। फिर क्या बोल रहा है? ये अल्फा ए टेंस टू है, यस। तो कितने हो गए? ये काउंट करते क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया यहाँ पर, यस या नो? ये लेफ्ट मोस्ट यहाँ पे चेक करता है, स्कैन करता है, यस। अब यहाँ पे हो गया उसे, फिर से क्या हुआ? जब यहाँ पहुंचे तो बोला भाई अब मेरे को नहीं चाहिए, अब ए टेंस टू अल्फा ए का प्रोडक्शन हमें नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बीटा चाहिए। हमें क्या चाहिए? बीटा चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया? यस, तो हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पर कर दिया बीटा, क्या कर दिया? यहाँ पे कर दिया बीटा। अब क्या हो गया? अब ये बताओ, इसके थ्रू स्ट्रिंग जनरेट हुई कि नहीं? ये स्ट्रिंग मिल गई ना, यस। इसका मतलब हमने ये बताया कि पर्टिकुलर ये जो स्ट्रिंग है इस ग्रामर पे, ये स्ट्रिंग इस ग्रामर के थ्रू हम ये स्ट्रिंग को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, इट इज अ वैलिड स्ट्रिंग, क्लियर है? इसके लिए, इस ग्रामर के लिए ये वैलिड स्ट्रिंग होगी। सबको क्लियर? सब लोग बताएंगे, ये सबको समझ में आ गया? राइट रिकर्शन के थ्रू अगर आपको कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है और बोल रहा है कि बताइए कि ये स्ट्रिंग इसमें बिलोंग करती है कि नहीं, यस, तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं, क्लियर है? अभी देखो जान सिंह, यही कॉन्सेप्ट को, इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोलता हूँ लेफ्ट रिकर्शन के थ्रू करना, क्या करना है? लेफ्ट रिकर्शन। देखो जान सिंह, यहाँ पे क्या है, आपने अभी क्या बोला कि ये अल्फा की पावर 4 बीटा है, क्या है ये? अल्फा की पावर 4 बीटा है, इसका मतलब क्या हुआ? अभी आपने बोला सर कि ये अल्फा 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 और ये बीटा यहाँ पर है यहाँ पर, यस। अब क्या है, आपको क्या बताना है? 1 2 3 4, ऐसा चार अल्फा है और उसके बाद ये बीटा, क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब हमने क्या किया, यहाँ पर फिर से इसको स्टार्ट किया ए टेंस टू ए अल्फा, यस। पर अभी समझना, अभी
इसने काउंट करके बताया कि अल्फा कितने बार आया, नहीं बताया ना। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इसने ए टेंस टू ए अल्फा है, यहाँ पे क्या इसने काउंट किया गया कितने अल्फा है? नहीं है, ये बोल रहा भाई फिर से करो ए टेंस टू ए अल्फा, ए टेंस टू ए अल्फा, ए टेंस टू ए अल्फा, ठीक है, ए टेंस टू ए अल्फा, ए टेंस टू ए अल्फा। इसको समझ में ही नहीं आ रहा है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ पे मेरे को यहाँ पे ए टेंस टू बीटा करना है, या मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भैया काउंट कैसे करेगा ये? सबको क्लियर समझ में आ रहा फंडा? बताओ मुझे, सबको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर मान लो यहाँ पर ये स्ट्रिंग इसमें सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, आपको पूछा गया तो आपको तो ये मैच करना चाहिए ना फोर अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा तो आ रहा है पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। यस या नो, सबको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? बताइए मुझे सबको। देखो कोई भी स्ट्रिंग है ना, अरे भाई स्ट्रिंग या तो सेटिस्फाई करेगी या तो नहीं करेगी, पर यहाँ पे मैच तो होना चाहिए ना, यहाँ पे ये मैच तो होना चाहिए। यस, पर ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ये तो खाली प्रोडक्शन ही करते जा रहा है, समझ में आ रहा है? हो सकता है अगर फर्स्ट टाइम अगर ये स्टॉप कर देगा तब भी तो क्लियर नहीं है क्या हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके थ्रू क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई मैं कितने बार इसका प्रोडक्शन करूँ मैं, समझ में आ रहा है? वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन होता, ये हो सकता बीटा टेंस टू यहाँ पे अल्फा की पावर फोर होता, ये भी हो सकता है, पर मैं कितने बार करूँ मुझे पता ही नहीं ना। देखो ये स्ट्रिंग तो इसमें सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है, मान लो ये स्ट्रिंग नहीं होती एग्जाम में, ठीक है, पर इसको भी चेक करने के लिए आप ए टेंस टू अगर ए अल्फा, आपको पता है कि अल्फा मतलब अल्फा कितने बार है ये तो पता ही नहीं आपको यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे अगर बीटा कर दिया, ए टेंस टू बीटा कर दिया, बीटा अल्फा, ये तो बोल रहा है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बार बार क्या है मशीन को, या तो क्या करना पड़ेगा, एक बार करेगा फिर यहाँ पे टर्मिनल पुटअप करेगा, मतलब बार बार स्टॉप करके फिर ये स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सिस्टम को प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब इस ग्रामर में वर्क करने में सिस्टम को क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सबको क्लियर है? सब लोग बताइए मुझे, क्या आप लोग को समझ में आया कि लेफ्ट रिकर्शन, ये लेफ्ट रिकर्शन और राइट रिकर्शन में डिफरेंस क्या होता है, और क्यों हम लोग लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करते हैं? सब लोग बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं? यस, देखिए कल मैंने बताया था कि लेफ्ट रिकर्शन क्या होता है, उसको कैसे रिमूव करते हैं, कल हमने डिस्कस किया था। आज मैं ये बता रहा हूँ कि लेफ्ट रिकर्शन को हम लोग क्यों, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रिमूव करते हैं। और मैं देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम लोग करने वाले हैं, सब लोग चैट करके बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, अगर समझ में नहीं आया तो पूछिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और बहुत सारे जो शॉर्टकट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको कॉन्क्लूजन के थ्रू बताऊंगा। कोई भी ग्रामर दिया रहेगा तो पहले हमको प्रॉपर्टी के थ्रू चेक करना है कि वो उसको उसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, पर्टिकुलर ग्रामर में, हम लोग डिस्कस करेंगे बस। अच्छा रिपीट करना है, देखो 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 यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो कोई भी स्ट्रिंग दी रहेगी, कोई भी ग्रामर दिया हुआ है, आपको क्या बोला है कि पर्टिकुलर इस ग्रामर में ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है क्या, तभी आप बताएंगे पर्टिकुलर ये जो स्ट्रिंग है इसके लिए वैलिड है इनवैलिड। यस या नो, क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अल्फा की पावर फोर बीटा है, और अगर हम यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन मतलब राइट रिकर्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हमको ये जो टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल हमको काउंट कर ले रहे हैं कि नहीं? यस या नो भाई, एक अल्फा आ गया, यस, फिर हमने प्रोडक्शन यूज कर लिया, सेकेंड फिर हमने लिख लिया, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड ये फर्स्ट हो गया, सेकंड अल्फा, फिर से प्रोडक्शन लिख लिया, फिर हमको चाहिए अल्फा, तो मैंने फिर से ए को कॉल कर लिया, यहाँ पर फिर से हुआ, फिर से मुझे कॉल कर लिया। अब मुझे कॉल करने की रिक्वायरमेंट है क्या? चारों अल्फा तो हो गए, अब मैं बोलूंगा भैया मुझे अल्फा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा बीटा पुटअप कर दूंगा, हो गया मेरे को, क्लियर है? पर यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहेगा, ये पूछेगा बताइए स्ट्रिंग वैलिड है कि इनवैलिड है, तो आपको तो ये तो क्लियर ही नहीं होगा भाई कितने बार मुझे ये ए टेंस टू ए अल्फा, ठीक है, अगर मान लो ये स्ट्रिंग भी दी हुई है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ए का प्रोडक्शन कितने बार करना है, क्योंकि आप तो अल्फा को काउंट ही नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे हो क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? आप कंटिन्यू क्या हो रहा है, ये तो लेफ्ट रिकर्शन कंटिन्यू यहाँ पे चलते जा रहा है यहाँ पर, यस, ये बार बार ये स्टॉप होगा, फिर यहाँ पे ये इसको पुटअप करेगा, बीटा को फिर चेक करेगा, ये तो नहीं है करके, तो इसका मतलब क्या हो, इसमें तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ना लेफ्ट रिकर्शन, हम क्या हो रहा है प्रॉपर काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेफ्ट रिकर्शन में इसीलिए क्या होता है, हमको कंफ्यूजन होता है कि भाई हमको कहाँ पे प्रोडक्शन को स्टॉप करना है, मतलब कहाँ पे जो हम ये कंटिन्यू ए टेंस टू ए अल्फा, ए अल्फा, ए अल्फा यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, बिना रीडिंग के ही कंटिन्यू ये चलते जा रहा है, और ये कितने बार चलेगा, इनफिनिट टाइम चलेगा। यस, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्लियर है? देखिए
चलिए सब लोग बताएंगे, कल मैंने आपको क्या बताया था? ये अगर लेफ्ट रिकर्सन दिया है तो लेफ्ट रिकर्सन को कैसे रिमूव करते हैं, सब लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे जो ऑनलाइन। सब लोग बताइए कैसे था, बिना देखे ना, नोट्स नहीं देखना है, सबको याद है कि नहीं? क्या फार्मूला था यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन? क्या लिखूंगा, ए टेंस टू क्या लिखूंगा मैं, बीटा। हाँ बीटा। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको ए डैश लेना है। ए डैश मतलब क्या हो रहा है, कोई अदर वेरिएबल। क्या है, कोई अदर वेरिएबल, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, फिर क्या था, ए डैश टेंस टू, ये लेफ्ट रिकर्सन है, इसको यहाँ पे रिमूव कर देना है। क्या लिखना है, अल्फा ए डैश और एप्सिलॉन, ये इसका होता है फॉर्मूला, इट इज ए फॉर्मूला। सबको क्लियर? सब लोग बताएंगे, सबको क्लियर, यस या नो? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, सब लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ई टेंस टू ई प्लस टी, टी टेंस टू टी इंटू एफ, और एफ टेंस टू ई, कर देता हूँ। चलो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये जो ग्रामर लिखा हुआ है इसको आपको रिमूव करके, अगर लेफ्ट रिकर्सन जहां जहां पे भी होगा उसको रिमूव करके मुझे बताना है कि इसका फाइनल आंसर क्या है। चलो फटाफट करो सब लोग, ये दिया हुआ है, ऐसे दिया रहेगा आपको, ठीक है। पर यस क्लियर है, आप ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, चलो कन्वर्ट करो इसको। सब लोग सॉल्व करके बताएंगे मुझे क्या आंसर है इसका। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग फटाफट करेंगे सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर एक एक करके मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिए कहाँ कौन कौन से प्रोडक्शन में आपका लेफ्ट रिकर्शन है, कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन है, यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन है यहाँ पे, यस। ये कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या E टेंस टू E प्लस टी है, यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन है, यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे तो जहां पे लेफ्ट रिकर्सन नहीं है उसको लेना है, साथ में यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर देना है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, E टेंस टू, यहाँ पे क्या किया, E टेंस टू, यस। कहाँ पे क्या हो जाएगा, टी, फिर क्या हो जाएगा, E डैश। देखो E डैश मतलब क्या, न्यू वेरिएबल है। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ उसमें इसको चेंज कर दिया है क्या, मेरी आवाज आ रही है सबको क्या, चैट टू? देखिए यहाँ पर ये E टेंस टू E प्लस टी और टी है, ठीक है। यहाँ पे टी में क्या दिया, यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन नहीं दिया हुआ है, क्लियर है। ये प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्सन है, तो हमने क्या किया, E टेंस टू टी E डैश कर दिया, यस। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, सब लोग चैट कर बताओगे, फिर क्या करना है, यहाँ पर ये प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्सन है तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, E टेंस टू प्लस, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्लस टी ई डैश, और फिर क्या करने वाले हैं, एप्सिलॉन, बस हो गया। देखो ध्यान से मैच कर लो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए टेंस टू ए अल्फा था, हमने ए यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन था उसको मैंने हटा दिया, ए को हटा दिया मैंने, यहाँ पे क्या किया अल्फा ए डैश, तो ऐसे यहाँ पे क्या किया, जहां पे लेफ्ट रिकर्सन था उसको मैंने हटा दिया, जो रिमेनिंग बचा प्लस टी लिख दिया, प्लस टी इसके साथ में ई डैश को मैंने ऐड कर दिया और एप्सिलॉन कर दिया, हो गया हमारे काम, क्लियर। चलो ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, ये तो अभी इसका हुआ ना प्रोडक्शन, ये बचा हुआ है। चलो सब लोग सॉल्व करो, क्या होगा, टी टेंस टू क्या सेम हो जाएगा, टी एफ टी डैश, और टी डैश टेंस टू क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक एफ, क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, सेम चीज है ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ इस प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, टी टेंस टू एफ टी डैश, सेम ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक वेरिएबल जो ये वेरिएबल था उसको यहाँ पे रिपीट कर लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने टी डैश को रिपीट कर लिया, यस कर लिया यहाँ पर, यस। फिर जो इसको जो टी टी था उसको हटा दिया टी को, तो क्या हुआ, एस्ट्रिक एफ आ गया, एस्ट्रिक एफ, और ये क्या टी डैश आएगा, सेम जैसे यहाँ पर था ना, यहाँ पर था, यहाँ पे टी डैश आएगा ना, यस। और फिर साथ में क्या, एप्सिलॉन आएगा, ये एप्सिलॉन,
सब लोग देख के बताओ क्या यहाँ पर f tends to id को लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे left recursion है, क्या नहीं है ना, ये as it is आ जाएगा f tends to id, तो ये इसका final answer है। तो क्या करेगा, जब भी answer आएगा option में दिया रहेगा तो क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, आपको चेक करना है कि पूरा प्रोडक्शन समझ में आ रहा है, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा पॉसिबल है, कई बार ऐसा हुआ है एग्जाम में कि ये जो वेरिएबल मैंने लिया है ईडेस लिया है, इसको कोई अदर वेरिएबल एक्स वाई जेड ले सकता हूँ, क्लियर है, क्योंकि जाहिर बात है ये ई है और ये ईडेस है, दोनों वेरिएबल अलग अलग है, क्लियर है। सब लोग चेक कर रहे, सबको ठीक है, हाँ देखो ये देखिए मोनिका यहाँ पे देखो, देखो मोनिका ये देखो, ये बताओ मुझे यहाँ पे जो लेफ्ट रिकर्सन था वो तो यहाँ से रिमूव हुआ कि नहीं, तो अभी मैंने ये बताया ऐसा क्यों लिखते, देखो ध्यान से यहाँ पे ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो इससे पहले जो था यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन था, लेफ्ट रिकर्सन था तो एक प्रॉब्लम हो रहा था ना स्ट्रिंग को मैच करने के लिए, देखो ग्रामर ये एज इट इज, ये ग्रामर एज इट इज यही है, समझ में आ रहा है, ये जो ग्रामर है वो एज इट इज यही लिखा हो, क्लियर है, यस ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो समझ सब लोग देखो ध्यान से, यहाँ पर a tends to beta a dash है कि नहीं, a dash tends to epsilon है ना, अगर मैं यहाँ पे a dash tends to epsilon यहाँ put up करूँ तो a tends to beta मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा ना, वही चीज है, यहाँ पे a dash tends to alpha a dash है, left recursion यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी recursion, मतलब यहाँ पे भी मैं जितने पर भी alpha को produce करना मैं कर सकता हूँ कि नहीं, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे मोनिका देखो, जैसे आप पूछ रहे हो, देखो अभी मैंने क्या लिया था याद करो, मैंने स्ट्रिंग ली थी, क्या ली थी यहाँ पर, अल्फा 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 और बीटा ली थी, लिया था कि नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि बताओ क्या ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगा, यस, क्या ये स्ट्रिंग वैलिड है इस ग्रामर के लिए, किस ग्रामर के लिए, इस ग्रामर के लिए, उस समय क्या हो रहा था आप काउंट ही नहीं कर पा रहे थे कि अल्फा कितने बार है, यस, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अभी स्टार्ट अगर मान लो ए से कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे ए टेंस टू बीटा ए डैश, यस, तो बीटा है, तो यहाँ पे बीटा है क्या, नहीं है ना, और उसके बाद तो आप पहले ही बोल दोगे सर बीटा तो यहाँ पर है नहीं, तो ये मैच ही नहीं कर रहा है स्ट्रिंग, पर वहां पे ऐसा बोल सकते थे क्या, बताओ यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते ना, सबको क्लियर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस। देखो अगर हमने लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर लिया तो हमको ये कंफ्यूजन होता है, हमको ये समझ में नहीं आता कि भाई मैच किससे करें, भाई ये तो प्रोडक्शन कंटिन्यू चलते रहेगा, a टेंस टू a अल्फा, a टेंस टू a अल्फा, a टेंस टू a अल्फा चलते रहेगा, तो समझ में आ रहा है, पर यहाँ पे हम लोग मैच कर सकते हैं ना, यस, मान लीजिए बीटा से टर्मिनल मैच कर सकते हैं, क्लियर है। देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता बीटा यहाँ पे समझना, एक स्ट्रिंग डब्ल्यू वन ये स्ट्रिंग दी हुई है, क्लियर है, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ये दिया होता डब्ल्यू टू स्ट्रिंग दिया होता, क्या होता अल्फा 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 और बीटा, फिर भी देखो फिर कंफ्यूजन है, पर यहाँ पे ये ऐसा दिया होता, मान लो इसके लिए ये दिया होता अल्फा 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 और अल्फा होता, यस, सब लोग बताइए मुझे क्या मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ, यस, क्या करते हैं आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको यूज करता तो मैं कितने बार a टेंस टू a अल्फा का प्रोडक्शन लिखा मुझे पता ही नहीं होता, क्योंकि स्कैनिंग तो लेफ्ट से ही होती है, हम तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते थे, बट यहाँ पे देखो ये ग्रामर देखो, इसके थ्रू अगर मैं स्कैनिंग करता हूँ, अगर मैं इसके थ्रू स्कैनिंग करता हूँ तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे a टेंस टू बीटा a डैश लिखोगे कि नहीं, यस या नो लिखोगे, आपने मैच किया कि नहीं, आपने इसको और इसको मैच किया है, सब बताओ मुझे, यस या नो कर रहे हो कि नहीं, आपने इसको और इसको मैच किया, यस, फिर देखो फिर कहाँ पहुंच गए, सेकंड में पहुंच गए ना, स्कैन किया, नेक्स्ट मूव किया, यहाँ पहुंच गए, फिर a डैश टेंस टू आपको मिल गया, a डैश टेंस टू अल्फा a डैश है, ये तो राइट रिकर्सिव है, अल्फा a डैश है, तो हम यहाँ पहुंच गए, हमने इसको भी मैच कर लिया, किया कि नहीं, फिर हमको क्या चाहिए, फिर हमको ये अल्फा चाहिए, तो फिर से हमने अल्फा a डैश को कॉल कर लिया, हमको सेकंड मिल गया, यहाँ पे सेकंड अल्फा मिल गया, फिर हमको क्या चाहिए, अल्फा a डैश चाहिए, हमको ये मिल गया, मिल गया कि नहीं, फिर हमको क्या चाहिए, ये अल्फा चाहिए, तो हमने यहाँ पे a अल्फा a डैश कर लिया, अब हमको चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, तो a डैश डैश मैंने क्या कॉल कर लिया, एप्सिलॉन कर लिया, मिल गया कि नहीं, यस, क्लियर हुआ सबको। पर अगर मान लीजिए मैं ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर के थ्रू इसको प्रोड्यूस करना चाहूंगा, जनरेट करना चाहूंगा, तो मुझे समझ में नहीं, अकाउंटिंग ही नहीं हो पाई, क्लियर समझ में आ रहा है, इसीलिए क्या होता है, ये जो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, क्लियर है, इसमें से लेफ्ट रिकर्सन हम यहाँ से हटा देते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं आपको आगे जब ग्रामर पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, टॉप डाउन बॉटम पार्सल को देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो वहां पे मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ये सबका वहां पे यूज भी करना है आपको, क्लियर है, कहाँ पर कैसे हम लोग निकालते हैं वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, यस, अभी हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट, यस,
चलो फिर से ये वाला हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर टू चलते हैं। कई बार ऐसा पूछते भी हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, ठीक है, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को हम लोग क्यों यूज नहीं करते। क्लियर है? तो उसका आंसर आप लोगों को सेल मिल गया, ठीक है, आप लोग समझा भी सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर टू देखिए। सब लोगों मेरे हिसाब से सब लोगों ने आंसर इसका कर दिया हुआ, ठीक है यहाँ पर। यस सब लोग ये देख के बताओ मुझे कि यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन कहाँ कहाँ पर है। सब लोग चेक करो, लेफ्ट रिकर्सन कहाँ कहाँ पर है, सब लोग चेक। यहाँ पर भी है और यहाँ दो प्रोडक्शन में है। यस या नो? यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन आपको दो प्रोडक्शन यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है। यस यहाँ पर मिल रहा है क्या? यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन आपका नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? एस टेंस टू जीरो वन एस डैश कर देंगे। देखो ध्यान से, आपको यहाँ कहाँ पे इसको परफॉर्म करना है? जहां पे लेफ्ट रिकर्सन नहीं होगा। क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ आप लोगों ने क्या किया, सब लोग बताओ मुझे अब क्या करोगे। आप चेक करोगे भाई कहाँ कहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो है यहाँ पर। यस अब यहाँ पे क्या करोगे, सब लोग बताओ मुझे अब यहाँ पे क्या करोगे इसमें? ये तो आपको पता है क्या कर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था ए अल्फा था, तो मैंने क्या बोला इसको हटा देना है। तो यहाँ पे क्या किया, एस डैश जो आपने न्यू वेरिएबल यहाँ पे लिया है, आपने क्या किया यहाँ पे जीरो एस कर लिया और यहाँ पे एस डैश किया और यहाँ पे एप्सिलॉन किया। यस किया नो? सब लोग ऐसे ही किया आप लोगों ने, सब लोग यहाँ पे ऐसे ही किया ना? यस किया कि नहीं ऐसा यहाँ पर? अब मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या करोगे, सब लोग बताओ यहाँ पे क्या करोगे, जल्दी बताइए मुझे क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? एप्सिलॉन करने वाले हैं। कहाँ पे एप्सिलॉन करेंगे, कहाँ पे एप्सिलॉन करेंगे? सब लोग बताइए मुझे कहाँ पे एप्सिलॉन करेंगे, ये बोलो, बताओ मुझे। देखो ध्यान से ये बताओ मुझे, अगर मान लो इनिशियली इसको ऐसा समझो, देखो इसको मान लो यहाँ पर ए दिया, यहाँ पे क्या दिया, मान लेते हैं जीरो दिया, क्या दिया है? जीरो दिया, समझना है आप, ठीक है यहाँ पर? यस यहाँ पे क्या दिया, एस टेंस टू एस जीरो मान लो दिया। क्लियर है? सब लोग देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्शन तो ऑलरेडी आप ले चुके हो, यस या नो? ये ले चुके हो, इससे ये भी तो लिंक होगा। यस तो यहाँ भी क्या करने वाले हो, एस डैश टेंस टू क्या करने वाले हो, जीरो एस डैश और एप्सिलॉन करने वाले हो, यस या नो? सब लोग देख के तो ऐसे ही करने वाले हो ना, एस डैश टेंस टू जीरो एस डैश और एप्सिलॉन करने वाले हो, करने वाले हो। सब लोगों को क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस अगर ये जीरो नहीं है तो ये एस डैश टेंस टू एस डैश हो गया। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या हुआ, एस डैश टेंस टू एस डैश मतलब इसको आपको इग्नोर मार देना, क्या करना है इसको इग्नोर करना है। क्लियर है? क्योंकि ये तो वही चीज हो गई ना भाई, अगर एस डैश टेंस टू एस डैश टेंस टू एस डैश कुछ मतलब है क्या? नहीं है ना, हटा दो। सबको क्लियर है? इतने में आपका काम हो जाएगा। सबको क्लियर? सब लोग बताओ मुझे ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, ये समझाने के लिए बस मैंने बताया था। यस सब लोग चैट करके बताओ समझ में आया कि नहीं, सबको क्लियर है? देखो ध्यान से, कभी कभी ऐसा जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। क्लियर है? चलो आगे देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है ना, कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा आप लोग बताएंगे, ठीक है यहाँ पर? यस यहाँ पर देखो, फिर सेम चीज है ना, आपको देखना है लेफ्ट रिकर्सन कहाँ कहाँ पर है, तो ये आप देखेंगे कि इस प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्सन है, इसमें है, इसमें है क्या? नहीं है ना, तो बस रूल को फॉलो करना है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब लोग बताएंगे, बी टेंस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बी डैश हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर बताएंगे ई बी डैश और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बी डैश। समझ में आ रहा है? जितने भी प्रोडक्शन दिए रहेंगे सब में आपको यहाँ पर इसको ऐड करना है। क्लियर है? और फिर क्या हो जाएगा, बी डैश टेंस टू, यहाँ पे बी डैश टेंस टू, ये बी डैश आपने यूज किया है ना, यहाँ से आपने बी हटा दिया, क्या बचा, प्लस बी बी डैश बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, एस्ट्रिक बी और बी डैश, यहाँ पर तो है नहीं, अब क्या होगा, एप्सिलॉन, ये इसका होगा। ध्यान रखना है, अगर ये एप्सिलॉन आप भूल जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है? मतलब सॉरी, ये आपका आंसर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है ना कई बार, उसे जानबूझ के किसी में एप्सिलॉन हटा दिया है ना, किसी में एक आध प्रोडक्शन को हटा दिया रहेगा यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर एक भी मिस हुआ तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? सबका क्लियर है? सब लोग आंसर चेक करिए, सबने सॉल्व किया है इसको, एक बार सब लोग इसका आंसर चेक करें। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो,
अब ये बताओ मुझे, देखिए ध्यान से सब लोग देखो ध्यान से, यहाँ पर ये बताओ मुझे, क्या इसमें लेफ्ट रिकर्सन है? क्या फर्स्ट प्रोडक्शन में नहीं है? इसमें है, इसमें भी नहीं है, कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दो। आंसर में क्या होगा? एस टेंस टू, ये आपका एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है। यहाँ पर देखो लेफ्ट रिकर्सन है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल टेंस टू एस एल डैश हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एल डैश टेंस टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एस और एल डैश और एप्सिलॉन, बस हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया? यस या नो? मेरे हिसाब से अब आप लोग को ये फंडा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, लेफ्ट रिकर्सन से, लेफ्ट रिकर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप लोग इसको बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। हो गया ये? क्लियर सबको? यस, हो गया? आप लोग ना मार्किंग कर लिया करिए कि भाई हमने कहां पे गलती की है, ठीक है। चलो देखिए, सेकंड कॉन्सेप्ट होता है लेफ्ट फैक्टरिंग का, ठीक है। देखो सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका लेफ्ट फैक्टरिंग। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई ग्रामर दिया हुआ है, समझना, लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर कब होता है, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई ग्रामर दिया हुआ है और वो इस फॉर्म में दिया, ए टेंड्स टू अल्फा, ठीक है, मान लेते हैं ये बीटा वन, ठीक है, पर यस क्या दिया है, अल्फा बीटा टू, अल्फा बीटा थ्री, अल्फा बीटा फोर, ऐसे करके यहाँ पर दिया हुआ, क्लियर है। और मान लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है, एप्सिलॉन भी दिया है, क्या दिया है, कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, चीज और है, कई जगह ना एप्सिलॉन को ऐसा भी लेता है और कई जगह एप्सिलॉन को ऐसा भी लेता है, क्लियर है ना। चलो ठीक, यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन को लिए, क्लियर है सबको, क्लियर है ना। कई बार क्या हुआ, एप्सिलॉन को ऐसा लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर यस, कई बार एप्सिलॉन को ऐसा भी लेता है यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सबको देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबको देखिए ध्यान से, यहाँ पर किस फॉर्म में लिखा हुआ, ए टेंस टू अल्फा बीटा वन, अल्फा बीटा टू, अल्फा बीटा थ्री, अल्फा बीटा फोर, और ये यहाँ पर एप्सिलॉन दिया हुआ, क्लियर है। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे अब समझना, ये दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट फैक्टर क्या होगा, देखो यहाँ पे अल्फा अल्फा यस या नो कॉमन है, ये भी कॉमन है। अब समझना, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम लोग वो लेफ्ट फैक्टर ग्रामर का प्रॉब्लम क्या, ठीक है, यहाँ पर यस, एक छोटा एग्जाम्पल देखिए सबको ध्यान से, ठीक है। अगर मान लो ऐसा दिया है, सबको देखो ध्यान से, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहले बता रहा हूँ कि एक्चुअल में लेफ्ट फैक्टर ग्रामर में प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, पर यस। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे मान लो ये a, यहाँ पे मान लेते हैं y दिया, क्या दिया हुआ, a y, समझ में आ रहा है, फिर a क्या दिया है, z दिया है, ठीक है, यहाँ पर यस, और यहाँ पर a दिया है, मान लीजिए यहाँ पे w दिया हुआ, समझ गया ध्यान से, ठीक है। y टेंस टू दिया हुआ है b, z टेंस टू दिया है c, और w टेंस टू यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे डी दिया, समझिए ध्यान से, सबको देखो ध्यान से, देखिए पहले समझो कि क्यों ये इसमें ये प्रॉब्लम है और क्यों हम इसको रिमूव करते हैं, क्लियर है। अगर मान लो कोई स्ट्रिंग दी हुई है, क्या है, कोई स्ट्रिंग दी हुई है, क्या स्ट्रिंग दी हुई है, मान लेते हैं स्ट्रिंग दी हुई है ए डी, क्या दी हुई है, स्ट्रिंग आपको दी हुई है ए डी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपको, अब बोल रहा है कि बताइए ये स्ट्रिंग क्या ये ग्रामर जनरेट कर पा रहा है, तभी ये स्ट्रिंग वैलिड या इनवैलिड कहलाएगी, सबको क्लियर पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बोल रहा है w इक्वल टू ad है, और अगर ad स्ट्रिंग इस ग्रामर के थ्रू जनरेट हो रही है, इसका मतलब ये वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है, तो आपको चेक करना है। अब क्या होगा, सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, a टेंस टू a y यूज करेगा, है ना। देखिए प्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। और y टेंस टू क्या मिलेगा, y टेंस टू b है, क्या मैच किया, क्या नहीं, आपने a और a तो मैच कर दिया, पर यहाँ पे b है और ये d है, ये बोलेगा भाई ये तो गलत है, फिर से बैक ट्रैक जाएगा, बोल भाई गलत है, फिर से जाओ, समझ में आ रहा है, फिर से क्या, क्लियर है। अब यहाँ पे बोल रहा है, फिर से बोल रहा है x टेंस टू क्या लिखो, ए जेड लिखो, यस, तो z टेंस टू क्या मिला, c मिला, फिर से मैच किया, a a तो मैच हो रहा, पर यहाँ पे d और c मैच नहीं हो रहा है, फिर से बैक रख जाए, क्लियर है, ठीक है। फिर क्या हुआ, x टेंस टू क्या बोला, यहाँ पर
ए डब्ल्यू किया और डब्ल्यू टेंस टू क्या हो गया बी। देखो आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है ना कि इसके बाद में मुझे क्या लेना, अभी समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा ना कि मैं वाई को लूज जेड, क्योंकि आपको तो आप तो रीड खाली एक ही सिंबल कर रहे हो या स्कैन एक ही सिंबल कर रहे हो, तो आपने ठीक है आपने रीड तो कर लिया इसको यहाँ पर इसके बाद क्या? तो इसके बाद देखिए बार बार कंपाइलर को बार बार क्या बैक ट्रैक करना पड़ रहा है, यस या नो? बार बार यहाँ जाना पड़ रहा है ना और फिर यहाँ जाके फिर से प्रोडक्शन लिखना पड़ रहा है, यस। तो कंपाइलर को बार बार कंपाइलर कंफ्यूज भी तो हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है ना कि भाई मैं इसको यूज करूँ, इसको यूज करूँ, इसको यूज करूँ, क्लियर है? तो इसलिए क्या हो रहा है, जो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग क्या करते हैं रिजोल्व करते हैं, इसके थ्रू करते हैं हम लोग करते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करते हैं, समझे? लेफ्ट फैक्टर ग्राम समझ में आ गया। अब देखो इसको रिमूव कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, देखो इसके लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है देखो ध्यान से, आपको ये देखना है यहाँ पे आपको मिला क्या अल्फा बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बीटा फोर ऐसा आपको मिल रहा है, यस या नो? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है आपको जो कॉमन है यहाँ पे ए टेंस टू क्या करना है, जो कॉमन है उसको क्या करना है निकाल देना बाहर। कॉमन क्या का है बाहर सब लोग देख के बताओ, सब लोग देख के बताओ कॉमन क्या है इस सब प्रोडक्शन में, कॉमन क्या दिख रहा है सबको, क्या दिख रहा है? अल्फा दिख रहा है। तो जो कॉमन है उसको निकाल दो, जो कॉमन है उसको निकाल दो, और कॉमन को निकालने के बाद क्या करना है आपको एक अलग से वेरिएबल यहाँ पे आपको ऐड करना, कर लिया आपने ऐड ए डैश। अब क्या करना है ए डैश टेंस टू जो रिमेनिंग प्रोडक्शन बचा हो उसको लिख लेना है, क्या लिखना है बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री और फिर क्या हो गया ये एप्सिलॉन लिख लिया। तो ये बन गया फॉर्मूला, ये बन गया फॉर्मूला, सबको क्लियर, यस या नो? सब लोग ये सबको क्लियर है क्या? यस या नो? इट इज ए फॉर्मूला। सबको ये पॉइंट क्लियर है कैसे मैंने किया? देखो सिंपल सा फंडा है। अब देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं हो रहा ना कि लेफ्ट रिकर्सन क्या है, अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, ठीक है? जाना ना लेफ्ट फैक्ट क्या है, लेफ्ट फैक्टर ग्रामर है, इसमें आपने चेक किया कि भाई कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन यहाँ अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है, अल्फा ये लिया, अल्फा यहाँ पे ले लिया, यस। फिर आपको क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे एक वेरिएबल आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो क्या ऐड एडेस को आपने ऐड कर लिया, फिर एडेस को ऐड करने के बाद में आपने देखा कि ये भाई ये बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बीटा फोर है यहाँ पे, ये एप्सिलॉन है, ये आपने कर दिया, तो ये आपको मिल गया है। सो इसका मीनिंग भी वही है, क्लियर है? अब देखो ध्यान से ये एग्जाम्पल को लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है? देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखिए पहले यहाँ पर, अगर मान लो ये अभी आपने एग्जाम्पल लिया और ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा था, ठीक है? सब लोग देखो ध्यान से यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे होगा सबसे पहले x होगा, होगा कि नहीं होगा? बताओ कॉमन क्या है, सब लोग बताओ कॉमन क्या है, a a a यहाँ से कॉमन है तो a यहाँ पे लिख लो, a यहाँ पर हो गया, हो गया। फिर आपको एक न्यू वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, न्यू वेरिएबल क्या ऐड करोगे, मान लेते हैं x डैश आपने यहाँ पे ऐड कर लिया, देखिए कुछ भी कर सकते हैं ना यहाँ पर, यस, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या x डैश टेंस टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे रिमेनिंग बचा तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा और w। ये बताओ यहाँ पे एप्सिलॉन होगा क्या, यहाँ पे एप्सिलॉन होगा क्या, नहीं होगा एप्सिलॉन, क्या इसमें एप्सिलॉन दिया है क्या, तो इसमें नहीं होगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होइएगा, गलत मत करिएगा ना, ध्यान रखिएगा। इसमें मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पैटर्न बताऊंगा, तो देखो ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने अगर एप्सिलॉन नहीं है ऐड कर दिया तो क्वेश्चन गलत है, क्लियर? समझ में आ रहा है? और अगर एप्सिलॉन आ रहा है और अगर आपने उसको ऐड नहीं किया तब भी क्वेश्चन गलत, क्लियर है? यस, देखो ध्यान से, यहाँ पर एप्सिलॉन मैंने लिया था इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन में एप्सिलॉन को यहाँ पे यूज किया है, यस या नो? सबको ये पॉइंट क्लियर, जल्दी बताइए सबको ये पॉइंट क्लियर, यस। अब देखो ध्यान से, सब लोग देखो ध्यान से, सब लोग देखिए ध्यान से, ये बताओ अगर मान लो अब ये स्ट्रिंग दी है, सब लोग देखो ध्यान से यहाँ पर ये स्ट्रिंग दी हुई है और बोल रहे बताइए इसके थ्रू इसको मैच करते हैं, यस। तो क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, तो सबसे पहले अब क्या करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ऐसा चाहिए, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं एक्स टेंस टू यहाँ पे ए एक्स डैश कर लेते हैं, हो गया, यस या नो? तो यहाँ से क्या मैच हो गया, यहाँ से ए मैच हो गया, यहाँ से ए मैच हो गया, यस। अब आपको क्या चाहिए, एक्स टेंस टू क्या चाहिए, डी चाहिए, एक्स टेंस टू डी चाहिए। तो डी आपको देखो ध्यान से, एक्स टेंस टू अब क्या ऑप्शन दे दिया ना, वाई भी दे दिया, जेड भी दे दिया और डब्ल्यू भी दे दिया, तीनों ऑप्शन दे दिया। अब चेक कर लो, डब्ल्यू टेंस टू जेड डी है ना, तो आप क्या यूज कर लोगे, यहाँ पे डब्ल्यू यूज कर लोगे और डब्ल्यू टेंस टू डी हो गया। सबको क्लियर,
सबको क्लियर? यस या नो? यहाँ पर तो आपको पता है कि भाई क्या क्या प्रोडक्शन है, पर क्या लेना है ये भी तो डिसाइड हो गया भाई। इन तीनों में से क्या लेंगे तो ये आ जाएगा, ये लेंगे तो ये आ जाएगा। सबको क्लियर पंडा? तो यहाँ पर से जो बार बार इसको एम्बिग्यूटी बोलते हैं, ठीक है भैया, जो प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे कि भाई किसको लेना है, अब ये प्रॉब्लम खत्म, अब हम डायरेक्ट जाके इसको ले सकते हैं और यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। सबको क्लियर है क्या? सब लोग देख के बताइए यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर, यस या नो? यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर, यस? सब लोग बताइए मुझे यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर। समझ में आया? ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए सब लोग, यहाँ पे जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर देखो एक बार, ये देखो ध्यान से, फिर से देखो ध्यान से सब लोग, यहाँ पर, यहाँ पे a टेंस टू अल्फा बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री दिया हुआ है, जिससे जिससे कॉमन दिया है हमने कॉमन निकाल लिया, एक वेरिएबल यहाँ पे हमने a डैश ले लिया न्यू वेरिएबल, और हमने हमारा काम खत्म, क्लियर। फिर यहाँ पर आइए, उसके बाद फिर आए देखो यहाँ, इससे भी कॉमन आ गया, इससे भी कॉमन आ गया, इससे भी कॉमन, इससे कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ये सॉरी, ये यहाँ पर क्लियर है? देखो समझना क्या क्यों ऐसा हो रहा है, समझ लो ध्यान से, सब लोग देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो इसको करेक्ट कर लीजिएगा ना, यहाँ पर देखो ध्यान से क्या हो रहा है, आपने क्या किया, सब लोग देखो ध्यान से, यहाँ पर कहाँ कहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, जहां जहां से भी कॉमन है आपने यहाँ पे लिख दिया। हो सकता है कुछ प्रोडक्शन से कॉमन आए और कुछ प्रोडक्शन से कॉमन नहीं आए, तो अगर नहीं आएगा तो उसको भी आप लोग यहीं पर ही लिखेंगे, क्लियर है? मैं बता रहा हूँ एक एक एग्जाम्पल करके एक एक केसेस को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है प्रयास? आप देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन को यहाँ पर लिखा हुआ, क्या लिखा था मैंने, एप्सिलॉन को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, क्या एप्सिलॉन से कॉमन आया है क्या? नहीं है, तो जो इससे कॉमन नहीं है उसको एजेंट लिख दो यहाँ पर, क्लियर है? यस। अब यहाँ पे देखो, अब आपने जिससे इससे कॉमन निकाला है उसको आपने ए डैश वेरिएबल लिखा हुआ है, उसमें क्या कर लिया, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री कर दिया ना, जिससे इससे कॉमन निकाला है, यस, हो गया हमारे काम, क्लियर। देखो एक एक करके मैं आपको केस समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है यहाँ पर, यस, मान लो ऐसा आया, एस टेंस टू ए बी सी, ठीक है, और क्या आया यहाँ पर, ए डी आया, केस नंबर फर्स्ट, सब लोग देखो ध्यान से, ठीक है, और मान लो यहाँ पर एप्सिलॉन आया, सब लोग देखो यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, एक एक करके समझते चलो, समझ में आया, ठीक है यहाँ पर, यस। अब सब लोग मुझे ये देख के बताइए कि कहाँ कौन कौन से प्रोडक्शन में आपको दिख रहा है सेम सेम है, सब लोग देख के, कहाँ पर सेम सेम है, ए और ए सेम है, यस, तो यहाँ पर क्या इससे सेम है क्या? नहीं है ना, तो यहाँ पे ए और ए को निकाल लो, और क्या करोगे यहाँ पे, एस डैश करोगे, यस। क्या मुझे बताओ, क्या मुझे बताइए कि यहाँ एप्सिलॉन से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं, तो जिससे कॉमन नहीं निकल रहा उसको एज इट इज यही कर दो, क्लियर है पंडा? सबको क्लियर? जिससे कॉमन नहीं निकल रहा उसको यहाँ पे एज इट इज वहीं पर रहने दीजिए, क्लियर है? जिससे कॉमन निकला उसको निकाल लो और यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड कर दो साथ में, ठीक है, और फिर एस डैश लिखो, क्या लिखो, जो वेरिएबल आपने लिखा है यहाँ पर, एज्यूम किया, ठीक है, ऐड किया, अब यहाँ पे एस डैश टेंस टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यस, क्लियर। अब देखो ध्यान से, सेम चीज हो गया, ये इसका आंसर, क्लियर है, यस या नो? देखो एक और क्वेश्चन, एक पैटर्न और, ये क्वेश्चन देखो, अगर मान लो ऐसा होता, देखो मान लो, अगर मान लो ये क्वेश्चन को मैं चेंज किया, देखो ध्यान से, सब लोग देखो ध्यान से ना, यहाँ पे ए डी सी, और क्या होता, ए डी, और यहाँ पे बी होता, और यहाँ पे एप्सिलॉन, देखते चलिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है भाई, यस, सब लोग देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से यहाँ पे फिर से, अब क्या है क्वेश्चन, कहाँ से कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर एक ही सिंबल को स्कैन करना है वन टाइम, क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है अभी यहाँ पर, यस। चलो अभी एक क्वेश्चन पहले आप लोग बनाओ, फिर बता रहा हूँ, चलो ये कंडीशन बताता हूँ मैं यहाँ पर, देखो मैक्सिमम मैचिंग कैसे करते हैं, ठीक है, और जैसे क्या होगा, एक पहले ये देख लो, पहले ये क्वेश्चन बनाओ, तो चलो यहाँ पर डी बी ई डी ई डी ए और यहाँ पे एप्सिलॉन, चलो इसको बना के दिखाओ, फिर बताओ, फिर क्या करना है आपको, मैक्सिमम मैचिंग करके उसको अलग करना है, मैं बता रहा हूँ, ये पहले, तो पहले ये क्वेश्चन बनाओ, तो हो गया, सबने कर लिया, ठीक। देखो ध्यान से ना, इसमें एक एक पैटर्न करके देखते चलिए, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, अभी आपने क्या किया, देखो यहाँ पे डी
यहां से डी, यहां से डी, हो रहा है मैच? तो यहाँ पे एक ही सिंबल मैच हो रहा है, यस या नो? यहाँ पे केवल एक ही सिंबल मैच हो रहा है ना, मैं बता रहा हूँ, अलग अलग केस बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे केवल एक ही ये और ये मैच हो रहा है, यहाँ से मैच हो रहा है क्या? नहीं। अगर मान लो यहाँ पर ए होता, बी होता, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आप लोग लिखते, कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे, समझ में आ रहा, एग्जाम्पल भी समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, एस टेंस टू क्या होता है यहाँ पे, डी ए डैश एस डैश होता, होता कि नहीं? और जो नहीं आ रहा उसको एज इट इज यहाँ पे लिखते, यस या नो? यस। फिर क्या करते हैं, एस डैश टेंस टू क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बी ई, और क्या लिखते हैं, ई और ये ई, बस हो गया, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट केस देखो, यहाँ पर केस नंबर टू, यहाँ पर अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया रहता, ऐसा होता है, एस टेंस टू ए बी सी डी, यहाँ होता है ए बी ई और यहाँ होता है डी ई और यहाँ पे एप्सिलॉन, सब तो देखो यहाँ से, सब तो देखिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने सिंबल मैच कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन में से आपको सबको चेक करना है कितने सिंबल मैच कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ए बी यहाँ पे मैच कर रहा है, ए बी यहाँ पे मैच कर रहा है, यस या नो? मैच कर रहा है, देखते चलिए, यहाँ पे ए बी यहाँ पे भी मैच कर रहा है, ए बी यहाँ पर भी मैच कर रहा है, क्लियर है? ए ए भी बोल सकते हैं और ए बी ए भी। तो आपको देखना है आपको सबसे ज्यादा कौन से कितने एलिमेंट है जो मैच कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहे हैं, यस। तो इसको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, इन दोनों को उठाना है यहाँ से, यस, और लिखना है एस टेंस टू ए बी एस डैश, समझते चलो ध्यान से, सबको क्लियर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ध्यान से, ए बी यहाँ से आया तो आपने ए बी एस डैश लिख दिया, क्लियर है? क्या इससे कॉमन आ रहा है क्या कुछ, डी ई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। फिर क्या किया, एस डैश को उठाया, क्या बचा, क्या बचा, सी डी बचा, और यहाँ पे क्या बचा, ई। तो ये इसका आंसर हो गया, समझ में आया, सबको क्लियर समझ में आया? देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, पहले आपने देखा यहाँ पर, देखो यहाँ पे डी था, बी था, यहाँ पे डी और ई है, यहाँ पे क्या डी और ए था, यस या नो? तो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डी ही मैच हुआ, यस। सबको क्लियर समझ में आया, यस या नो? ये पॉइंट सबको क्लियर है, चलो फटाफट करो इसको, फिर आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखो, एस टेंस टू ए बी सी डी, ए बी सी ए डी ई एफ, ठीक है, और यहाँ से डी बी एफ, चलो सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर टू। तो ये कोई मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू सबको सॉल्व करके मुझे बताना है। अब इसमें बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे, ठीक है? हाँ, उसको फिर से अलग से करना पड़ेगा। हाँ, उसको अभी उसको भी करना पड़ेगा, दूसरी वेरिएबल्स करो, एक और वेरिएबल लिख करो, ठीक है? हो गया, सब लोग करिए और फिर लिखिए, सबका हो गया तो यस लिखिए, फिर मैं बता रहा हूँ। हो गया, हो गया, चलिए चलिए सब लोग मैच करेंगे। सबसे आपको मैचिंग करना है यहाँ पर,
यहाँ पे देखो ए बी सी आ रहा है, यहाँ पे ए बी सी आ रहा है, यस। तो एक एक स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, सबसे पहले एस टेंस टू यहाँ पे आपने मैच कर लिया, क्या मैच किया, ये ए बी सी, ए बी सी हो गया, यस। तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी, और क्या आ गया यहाँ पर, एस डैश आ गया, क्लियर। फिर मैंने आपको बोला था कि इसमें जो रिमेनिंग बचेगा उसको लिखना है। सब लोग देखो ध्यान से, ये बताओ इसमें यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी यहाँ से कॉमन लिया, इससे कॉमन आया क्या, तो यहाँ पे क्या लिखा, डी ई और एफ। देखो ध्यान से, या इससे कॉमन आया कि लिए क्या, नहीं लिए, तो क्या आएगा, डी बी और यहाँ पे एप्सिलॉन होगा, यस। अब बताओ एस डैश डैश टू यहाँ पे क्या बचा, सब लोग देख के बताएंगे, यहाँ पे ए बी सी लिया, यहाँ पे क्या बचा, डी बचा, डी लिखा, यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो एप्सिलॉन बचा, कुछ नहीं बचा तो एप्सिलॉन बचा। देखो ध्यान से, यहाँ पर आप लोग ऐसा लिख लेंगे एप्सिलॉन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर आपने ये नहीं लिखा होगा तो गलत हो गया कुछ आपका। फिर आगे देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा काम, यस। अभी देखो, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे अब हमको ये मिल गया, क्या मिला, ये मिल गया, मिला कि नहीं भाई, हमने ए बी सी एस डेस निकाल लिया, यहाँ यहाँ से कॉमन मिल गया, यहाँ से हमने क्या किया, डी और एफलॉन कर दिया, बाकी तो लिखा हुआ, पर यहाँ पर भी तो क्या है, कॉमन है, तो आप फिर से यूज करो, तो कहाँ पे मिल रहा है, डी और डी कॉमन है, एक फिर से वेरिएबल यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर से आओ यहाँ पर, यहाँ पे आप ऐसा लिखने वाले हो, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे S tends to क्या है, A B C और ये S dash, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, D और D मिला, तो क्या करना है, D और D को क्या करना है, D और D को मिला, जल्दी बताओ, यहाँ पे एक अलग वेरिएबल लेंगे भाई, जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे अब यहाँ पे एज्यूम कर लो, तो यहाँ पे एक अलग वेरिएबल लिया, D कॉमन हो गया, देखो ऐसे ही किया ना, जहां पे ऐसे भी कॉमन है, अब यहाँ पे देखो ये तो आपको मिल गया, मान लो ऐसा ये वाला पार्ट है, ठीक है। पर यस, अब देखो जब आपने स्टार्ट किया तो यहाँ पे ए बी था, ए बी था, कॉमन था, आपने ये प्रोडक्शन लिया, फिर आपने क्या किया, एस टेंस टू इसी में ए बी कर लिया और यहाँ पे एस डैश कर लिया, अलग वेरिएबल ऐड कर लिया, और जो रिमेंड बचा उसको यहाँ पे लिख दिया यहाँ पर, यस या नो। तो वैसे ही क्या हुआ, अभी मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन में इससे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, छोड़ दो, अभी डी और डी से क्वेश्चन कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या कर दिया, आप इसको छोड़ दो भी ना, इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको बाद में लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी देखो कंफ्यूज मत होएगा, डी और डी है ना यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, ठीक है। एक वेरिएबल और ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे एस डैश था तो मैंने एस डबल डैश ऐड लिख लिया, क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा, ये और ये बचा है यहाँ पर, तो एज इट इज लिख दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर, ए बी सी, क्या हो गया, ए बी और सी, और क्या हो गया, एस डैश हो गया यहाँ पर, हो गया, और साथ में एप्सिलॉन भी तो है, एप्सिलॉन है, और एस डैश डबल इक्वल टू क्या है, ई एफ है, और क्या है, बी है, और ये वाले प्रोडक्शन में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा कुछ, तो इसको एज इट इज लिख दो, क्या आ जाएगा, एस डैश इक्वल टू डी और एप्सिलॉन। समझ में आ गया सबको, सब लोग बताइए क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, सब लोग बताएंगे चैट करके, ये पॉइंट क्या सबको क्लियर, जल्दी बताओ मुझे, सब लोग चैट करके बताइए सबको ये पॉइंट क्लियर है, कैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट फैक्टर को हमने रिमूव किया, यस। देखिए ना, इसमें ना थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें अच्छे से हो जाएगी यार, ठीक है। अगर ध्यान रखना, इसमें अगर एक भी चीज आपने मिस की यहाँ पर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक का पॉइंट। देखो अगर हमने यहाँ पे एस डैश और डी और एप्सिलॉन का छोड़ दिया ना यहाँ पर एप्सिलॉन, तो ये गलत हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगी, यहाँ तक हो गया पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, चलो इसको पहले एक बार ट्राई करना है आपको, है ना, और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसमें। देखो क्वेश्चन है, नंबर डाल लीजिएगा, ठीक है, एस टेंस टू ए, ए बी, ए बी सी, ठीक है, ए बी, चलो यहाँ पे ई है और एफ है, चलो बनाओ, चलिए सब लोग सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सब लोगों को सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर, आपको लेफ्ट फैक्टर रिमूव करना है और मुझे फाइनल आंसर मुझे बताना है, क्लियर है, ये मान के चलिए।
चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, क्लियर है? चलो आप लोग पहले इसका आंसर दो। ध्यान रखिएगा जहां पर एप्सिलॉन आएगा वहां पे आप लोग एप्सिलॉन जरूर ऐड करेंगे। हो जाएगा तो मुझे बताइएगा आप लोग। हो गया, यस, बहुत अच्छी बात है। देखिए चलिए सबने कर लिया, ध्यान रखना है मुझे क्या चाहिए, मुझे चार ऑप्शन चाहिए, उसमें से एक ऑप्शन आपका मैच होना चाहिए, वो पूरा पूरा एजर्टेड होना चाहिए, क्लियर है? चलिए ये एज्यूम कर लेना है कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है? चलो देखिए एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है? यस देखो सॉल्व करें इसमें, सबसे पहले बताओ कहां का आप, देखो आपको ना पहले मैचिंग करनी है, ठीक है प्रियास? क्या मैच हो रहा है, सब लोग देख के, क्या मैच हो रहा है? ए ए ए हो रहा मैच, यस। आपको लॉन्ग को देखना है कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर टर्मिनल है, ठीक है, या वेरिएबल्स है, ठीक है, जो सब में मैच कर रहा है, क्लियर है? तो यहाँ पे सब लोग देखिए, जहां से देखो मैंने ए बी बोला था, यस, तो देखो ए यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर, तो आपको देखना है कोई ऐसी चीज वो सभी प्रोडक्शन में कॉमन है, मैक्सिमम प्रोडक्शन में कॉमन है, उसको उठाना है, क्लियर है सबको? यस या नो? पहला पॉइंट सबको याद रहेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर ए बी भी कॉमन है पर इसको उठाना नहीं है, ए ए और ए तीनों में कॉमन है तो पहले इसको उठाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सब लोग बताओ, यहाँ पे ए क्या आ जाएगा सब लोग बताओ, एस टेंस टू ए एस डैश, और किससे कॉमन नहीं मिला? हाँ ई और एफ, ई और एफ से कॉमन नहीं मिला, क्लियर है? चलो ठीक है, फिर आते हैं हम लोग एस डैश टेंस टू, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, जो बच गया, अब भाई ये बताओ ए थे यहाँ पे निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा, एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख लो, क्लियर है? फिर क्या बचा, बी बचा केवल, तो बी को लिख लिया, बी को लिख लिया, फिर आगे चलते हैं, बी सी है यहाँ पर, यस, तो यहाँ पे बी सी बच गया, और क्या बचा, कुछ नहीं बचा, फिर से देखो ध्यान से, क्या अभी भी ग्रामर लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर है, क्या कहां पर है, ये वाले टर्म में, सॉल्व करते हैं फिर से, यहां पर है क्या, नहीं है, एज इट इज रहने दो, सॉल्व करो, एस डैश टेंस टू क्या हो जाएगा, समझना, कहां से कॉमन आया, यहां से कॉमन आया, इससे कॉमन आया क्या, नहीं आया, तो जिससे कॉमन आया, कॉमन क्या आया, बी आया, आपने एक वेरिएबल और ऐड कर दिया, मान लेते हैं एस डबल डैश कर दिया, क्या इससे कॉमन निकला, क्या नहीं निकला, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ऐड रहेगा, यस, और एस डैश एस डबल डैश इक्वल टू क्या लिखोगे, एस डबल डैश इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो यहां से और यहां से कॉमन निकला, तो बी आपने कॉमन निकाल लिया था, तो यहाँ पे क्या बचा, एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन लिखोगे, यहां से क्या मिलेगा, सी मिलेगा, केवल सी, और कुछ मिलेगा क्या, नहीं, अब अगर पूछे जाए कि बताओ फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर ये नहीं है, इसको कैसे करना है, इसको लिखने का तरीका देखो ध्यान से, ऑप्शन में कैसे लिखा रहेगा समझना इसको, अब आप देखो सबसे पहले स्टार्ट करो यहां से, क्या मिलेगा, एस टेंस टू ए एस डैश ई और एफ, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यस लिख लिया, अब ये देखो एस डैश का प्रोडक्शन ये तो लिखा है पर इसको मत लिखो, एस डैश टेंस टू ये एस डबल डैश वाला पॉइंट है इसको लिखना है, इसको छोड़ देना है, इसको लिखना है क्या, देखो जहां से कंटिन्यूअस प्रोडक्शन मिल रहा है, तो यहां देखो यहां से ये पार्ट तो यहीं का है, तो यहां से एस डैश इक्वल टू जहां पे न्यू वेरिएबल मिल रहा है, यहां पे क्या बी एस डबल डैश एप्सिलॉन,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस डबल डैश इक्वल टू एप्सिलॉन और सी, ये इसका आंसर होगा। इसलिए जब भी ऑप्शन आप सर्च करेंगे तो ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, क्लियर है। आप देखो ये पूरा चीज जो ये प्रोड्यूस करेगा वही ये भी प्रोड्यूस करेगा, ना कम ना ज्यादा। तो मेरा जितने प्रोडक्शन ये प्रोड्यूस करेगा, मतलब जितने, मतलब पर्टिकुलर इस ग्रामर के थ्रू जो जो आपको स्ट्रिंग मिलेगी, जितनी स्ट्रिंग मिलेगी उतने ही नंबर ऑफ स्ट्रिंग, और वही स्ट्रिंग आपको यहाँ से भी मिलेगी, क्लियर है, ना कम ना ज्यादा, क्लियर है। तो इसलिए ध्यान रखना है, जब भी आपको अपने लेफ्ट रिकर्सन लेफ्ट फैक्टर आप रिमूव करेंगे तो आपको ऐसा करना, देखो यहाँ पे देखो एक समझने का तरीका है, ठीक है। जब भी कंटिन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नेम वेरिएबल मिल रहा है ना, तो जहां से मिल रहा है वहां पे जाओ। देखो एस से एस डैश मिला, यहाँ पे मिला क्या, नहीं मिला ना, एस डैश से एस डबल डैश मिला और एस डबल डैश से लास्ट में ये मिला, तो इसको इस फॉर्म में लिखो, तो आपको याद रहेगा। सबको क्लियर पॉइंट, सब लोग बताओ मुझे सबको ये पॉइंट क्लियर क्या, यस या नो, जल्दी बताइए सबको ये पॉइंट क्लियर, यस। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे सबसे, जल्दी बताओ मुझे बनेंगे कि नहीं, हो जाएगा। चलो इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, बताओ आंसर क्या होगा, करूँ इसमें एक पॉइंट और ऐड। अब देखो चलो इसी में हम लोग, चलिए एक क्वेश्चन और बनाएंगे फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए गलत नहीं करना है, ठीक है, इसको गलत करोगे तो फिर समझ में आ रहा है, थोड़ा भी अगर मिस किए कहीं पर तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ए हो गया, चलो ए बी हो गया, ए बी सी, मैंने एक और ऐड कर दिया, ए बी सी डी, क्या ऐड कर दिया, ए बी सी डी, यहाँ पे मैंने कर दिया एम और यहाँ पे एन, चलो बताओ क्या आंसर। चलिए सब लोग इसका आंसर करिए, कोशिश करिए इस बार आप लोग आंसर, हो गया, चलिए मैच करेंगे, ठीक है, सबका हो गया, सब लोग बताएंगे सबका हो गया, ये सॉल्व हो गया, यस। चलिए सब लोग मैच करिए, ठीक है, सबको मैच करना, और मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखना कैसे है लास्ट में वो भी आपको देना है भाई, कि मैं पूछूंगा भाई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्लियर है। तो आपको लिखना कैसा पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपने सॉल्व भी कर दिया तो आपको खोजना पड़ेगा ना कैसा है, ठीक है। देखो ध्यान से, सब लोग देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या आएगा मुझे बताएंगे, सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो ऐसा कोई कॉमन वेरिएबल, ऐसा कोई टर्मिनल वेरिएबल या टर्मिनल जो सब में कॉमन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन में कॉमन है, क्या है कॉमन, ए कॉमन है, ए लिख लिया, फिर क्या लिया, एस डैश कर देते, ऐसा कौन सा प्रोडक्शन है जो इसमें कॉमन नहीं है, या कॉमन कौन सा नहीं है यहाँ पर, एम और एन कॉमन है क्या, नहीं है, तो मैंने क्या बोला इसको लिख दो ऐसे ही, लिख दिया ऐसे ही, यस। अब क्या करना है, जो बचा है उसको लिख लो, तो यहाँ से क्या हुआ, एप्सिलॉन आ गया, यहाँ से क्या आएगा, बी आएगा, यहाँ से क्या आएगा, बी सी, यहाँ से क्या आएगा, बी सी डी, और कुछ आएगा क्या, नहीं। अब यस, अब मुझे मतलब बताओ मुझे, इसमें से तो लेफ्ट फैक्टर्ड है क्या, नहीं है। अब फिर से चेक करो, क्या कोई ऐसा प्रोडक्शन है क्या जो लेफ्ट फैक्टर्ड है, एस डैश वाला है, क्या है, किसमें प्रॉब्लम है, बी वाले में, बी वाले में प्रॉब्लम, तो क्या निकालो, बी कॉमन निकाल लेते हैं, चलो निकालो, क्या बचेगा, एस डैश टेंस टू, क्या बचेगा,
हाँ तो यहाँ पे इससे कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, लिख दो इसको एरेटेज, यहाँ पे लिख दे। ठीक है, क्या बी आ रहा है? मैंने एस डबल डैश ले लिया, यस, सब तीनों में से कॉमन है। ठीक है, अब एस डबल डैश इक्वल टू क्या होगा? हाँ, यहां से निकला था तो ये एप्सिलॉन है, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे क्या बचेगा? सी, और यहाँ पे सी डी बचेगा। अब मुझे बताओ, फिर से सब लोग देख के बताइए, क्या अभी किसी प्रोडक्शन में लेफ्ट फैक्टर है? यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग है, यहाँ पर है। चलो यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे क्या एस डैश, यहाँ से निकलेगा क्या कॉमन? नहीं निकलेगा। यहाँ से निकलेगा कॉमन, क्या होगा? सी एस ट्रिपल डैश कर दो, यस, एस ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे एप्सिलॉन, और क्या होगा? डी। आपको लेफ्ट फैक्टर है क्या? नहीं है। लिखते कैसे हैं इसको मैं पूछूंगा, बताओ इसका आंसर क्या है? तो ये नहीं लिखोगे अब, समझ में आ रहा है? कैसे करोगे? सबसे पहले एस टेंस टू ए, एस डैश एम और एन। अब एस डैश तो ये नहीं लिखोगे, एस डैश टेंस टू जो यहाँ पे न्यू वेरिएबल मिला, यस, तो क्या लिखोगे? एस डैश टेंस टू एप्सिलॉन डी एस डबल डैश, यस। फिर आओ एस डबल डैश इक्वल टू क्या लिखोगे? ये नहीं लिखोगे जहां पे आपको न्यू वेरिएबल मिला है, तो क्या लिखोगे? एप्सिलॉन और सी ट्रिपल डैश, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे? एस ट्रिपल डैश इक्वल टू एप्सिलॉन और डी। दिस इज राइट आंसर। सबको क्लियर है? सब लोग बताइए मुझे, ये फंडा सबको अच्छे से क्लियर? मेरे हिसाब से अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग बना सकते हो, यस। जल्दी बताइए, ये पॉइंट सबको क्लियर, यस या नो? लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर सबको अच्छे से क्लियर हो गया, लेफ्ट वेक्टर ग्रामर सबको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से जो भी क्वेश्चन कहीं पे भी मिलेगा आप लोग को इस पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग किसी भी टाइप का आप लोग उसको बना सकते हो, यस या नो? और ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी आप इसको बनाएंगे, देखो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है ना, अगर आपने यहाँ पे ऐसा वेरिएबल यूज किया तो आपको समझ में लिंकिंग क्या है, यस या नो? देखो आप लिख तो कुछ भी सकते हो, कोई वेरिएबल यूज कर सकते हो, पर देखो यहाँ समझ में आ रहा ना कि भाई इसके बाद में यहाँ से ये वेरिएबल आया, इसके बाद में ये वेरिएबल आया, इसके समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? चलो ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है कि ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। एग्जाम में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे अलग वेरिएबल लिया, एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिया है, एबीसी के फॉर्म में लिया, उसको आप लोग चेक कर लेंगे, क्लियर है? यस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अभी फर्स्ट एंड फॉलो का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई बार एग्जाम में पूछा होगा, आपने सबने सुना नाम उसका, फर्स्ट फॉलो का, यस, ठीक है। क्या है फर्स्ट? ठीक है, अब ये फर्स्ट, ठीक है। अब क्या फर्स्ट हाफ ए बोलते हैं? जैसे फर्स्ट हाफ यहाँ पे ए बोला, फर्स्ट हाफ अल्फा बोला, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स दैट बिगिन, ठीक है, पर यस। अब समझिएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से कैसे है, यहाँ पर देखो फर्स्ट हाफ ए जब भी देखा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको कई जगह इसको यूज करना है, क्लियर है यहाँ पर? यस, फर्स्ट फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे मान लो ये दिया हुआ है ए टेंस टू, सब लोग देखो ध्यान से, ए टेंस टू दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग केसेस देखते हैं, यहाँ पर बहुत सिंपल से बता रहा हूँ, ठीक है। ए टेंस टू यहाँ पे देखो, जैसा यहाँ पे मिला ए ए, ठीक है, और क्या मिला? बी बी, ठीक है, पर यस, और बी टेंस टू क्या मिल गया? डी, समझना, देखो सब लोग देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब भी ऐसा लिख देते हैं इसको, जनरली कई जगह आप देखोगे ऐसा लिखा मिलता है ए और बी, जिसका जिसका फर्स्ट निकालना है, जो जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल मिला उसको यहाँ पे लिख दीजिए, क्लियर है? यस। फिर देखो सब लोग बताएंगे मुझे, देखो यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया हुआ था, व्हाट इज द वेरिएबल, व्हाट इज द टर्मिनल। वेरिएबल क्या होगा? हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, और टर्मिनल क्या होगा? हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, क्लियर है भाई? यस, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको टर्मिनल यूज करना है, वेरिएबल को आपको यूज नहीं करना है, क्लियर पॉइंट सबको? क्लियर, यस या नो? आपको यहाँ पे केवल टर्मिनल्स को यूज करना है, क्लियर है? वेरिएबल सबको यहाँ पर नहीं करना, क्लियर है? मतलब लिखना जो है वो टर्मिनल्स के फॉर्म में लिखना है, या फिर साथ में एप्सिलॉन होगा, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो बताओ, ए टेंस टू ए इज अ टर्मिनल, यस या नो? टर्मिनल है, सीधा लिख दो, ए लिख दो यहाँ पर, क्लियर है? ये बताओ ए का कोई प्रोडक्शन और दिया है क्या? यहाँ पर ए टेंस टू बी दिया, और बी टेंस टू क्या दिया? डी, यस, तो यहाँ पे डी कर दो, हो गया। तो ए का फर्स्ट क्या हो गया? ए और डी, सबको क्लियर? सबको क्लियर, यस या नो? देखो ए टर्मिनल है, तो यहाँ पे लिख दिया ए टेंस टू बी इज द वेरिएबल,
बी इज अवेलेबल, मतलब आपको चेक करना है जब तक टर्मिनल ना मिल जाए आपको, टर्मिनल या एप्सिलॉन ना मिल जाए, तो यहाँ पे बी गए, बी टेंस टू डी, तो यहाँ पे डी। समझ में आ रहा है? देख ए से ही स्टार्ट हो रहा है, देखो स्टार्ट तो ए से हो रहा है, ए टेंस टू बी, बी टेंस टू डी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाले में भी फर्स्ट में डी एड हो जाए, क्लियर है? चलो यहाँ पे बी में आओ, बी में क्या है, सीधा सीधा क्या है, डी है, तो केवल डी आएगा। सबको क्लियर, यस या नो? देखो ये हो गया फर्स्ट केस। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, देखो ध्यान से, अगर मान लो ऐसा दिया होता ए टेंस टू बी ए, ठीक है, यहाँ पे क्या होता और क्या होता, बी टेंस टू डी बी, और डी टेंस टू यहाँ पे क्या होता, ए होता, डी टेंस टू यहाँ पे ई होता, देखो ध्यान सब लोग देखो, ठीक है, और देखे था आपको यहाँ पे यस या नो, यस सब देखो। अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैं पूछता बताइए फर्स्ट, फर्स्ट आप ए का बी का और सी का क्या है, ठीक है, क्या होगा, अच्छा ठीक है, डी अवेलेबल, क्लियर है, यस बी कहाँ पे लिखेंगे, किसमें बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं क्या, इसमें बोल रहे हैं क्या, नहीं नहीं इसमें क्यों लिखेंगे, देखो इसमें बी आपको देखना है यहाँ पे लेफ्ट का प्रोडक्शन कहाँ पर है, ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको, देखो ये तो आपको ये देखना है ना यहाँ पे प्रोडक्शन, जो बी वाला टर्म जो लेफ्ट में मिले आपको, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, क्लियर है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है, फर्स्ट में हमेशा आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ए इज द वेरिएबल तो हमने ए से स्टार्ट किया, बी इज द वेरिएबल तो मैंने बी से स्टार्ट, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर अब इस बी में आए और फिर आप नहीं रुके, क्लियर समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यस है ना, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे आपने सही बोला कि यहाँ पे ए है ना, ए टेंस टू ए हो गया और ए टेंस टू बी, तो बी टेंस टू डी, तो डी यहाँ पे लिखते हैं, मैंने यही बोलना चाह रहे थे क्या, यस yes. ठीक है, और यहाँ पे क्या बी टेंस टू डी, यहाँ पे लिखते बी टेंस टू डी, क्लियर है, यस yes? ठीक है, एक चलो देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए सब लोग, देखो जब भी फर्स्ट निकालते हैं ना तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, देखो तो यहाँ पे ए वेरिएबल है तो चेक करना ए वेरिएबल कहाँ पर, हो सकता है ए वेरिएबल का प्रोडक्शन एक से ज्यादा हो, पर जहाँ पे भी ए होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे, ए यहाँ पर है, ए का क्या मिला, बी, बी इज ए, बी इज ए वेरिएबल, तो बी टेंस टू डी, डी इज ए वेरिएबल, तो डी टेंस टू ई टर्मिनल, तो यहाँ पे क्या हो गया, ई यहाँ पर आ गया, क्लियर है, और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, फिर बी में आओ, हाँ तो बी में क्या आएगा, बी से डी, डी से ई, यहाँ पर भी ई आ जाएगा और यहाँ पर भी ई आ जाएगा, क्लियर सबको। अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन कैसे काम करता है, यहाँ पे देखो यहाँ तक पॉइंट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर ऐसा दिया है, यहाँ पे दिया है एस टेंस टू ए बी डी और यहाँ पे क्या दिया है, बी, समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिया ए टेंस टू दिया है ई एप्सिलॉन, ठीक है, बी टेंस टू दिया है यहाँ पर एफ एप्सिलॉन, ठीक है, सब लोग देखो ध्यान से, यहाँ पर सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखो ध्यान से यहाँ पर, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा होगा, क्लियर है, सब लोग देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो फर्स्ट निकालना है, सब लोग देखो ध्यान से, फर्स्ट यहाँ पर आपको निकालना है, एस का निकालना है, ए का निकालना है, बी का निकालना है, क्लियर है, सब लोग देखो ध्यान से, एस टेंस टू क्या है, ए है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एस टेंस टू क्या है, ए है, ए टेंस टू टर्मिनल मिल रहा है तो लिख लो, पहले क्या मिलेगा, ई मिलेगा, और अगर देखो ध्यान से समझना, अगर इसमें एप्सिलॉन मिला क्या हुआ, और आगे वेरिएबल है तो हम आगे मूव करते हैं, क्लियर है, समझना, एस टेंस टू ए मिला, ए से क्या मिला, ई मिल गया, और साथ में क्या मिला, एप्सिलॉन मिला, और अगर एप्सिलॉन मिला तो इस एप्सिलॉन को यहाँ पे पुट अप किया जाता है, क्लियर है, और ये आगे मूव करता है, क्लियर है, चाहे वेरिएबल हो चाहे टर्मिनल हो, एक हम आगे मूव करते हैं अगर यहाँ पे कुछ है तो, क्लियर है, तब करेंगे तो क्या सिचुएशन रहेगा, कि जब एस टेंस टू ए कुछ भी रहे और साथ में एप्सिलॉन रहे, तो कहाँ से स्टार्ट किया, एस से स्टार्ट किया, एस से ए में आया, ए से ये मिला, साथ में एप्सिलॉन लिखा, तो मैं पॉइंटर पर यहाँ पहुंच गया, क्योंकि क्लियर है, जनरली क्या होता है, एप्सिलॉन इनको कुछ करोगे, एक्स करोगे तो ये एक्स हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पहुंच जाते हैं, क्लियर है, चलो यहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंचे, बी में पहुंचे, बी टेंस टू क्या मिला, एफ मिला, एफ को लिख दो, एफ को लिख दो, फिर क्या मिला, एप्सिलॉन मिला, तो एप्सिलॉन को यहाँ पुट अप करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, डी में, तो यहाँ पे डी इज ए टर्मिनल स्टॉप, डी इज ए टर्मिनल स्टॉप, समझ में आ गया सबको, यस या नो, कैसे हुआ समझ में आया, और साथ में बी बी है तो साथ में बी को भी ऐड करना है, ये हो गया
फर्स्ट हाफ एस, क्लियर है सबको? पॉइंट समझ में कैसे हुआ? यस या नो? देखो कैसे हुआ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले एस टेंस टू ए में आए, ए में जो मिला उसको लिख दिया, एप्सिलॉन मिला तो मैं आगे मूव किया, क्लियर है? फिर क्या मिला? बी, बी टेंस टू क्या? एफ मिला, एप्सिलॉन मिला तो मैं आगे मूव किया, डी में आया। डी से कुछ मिला क्या? नहीं, तो डी लिख दिया यहाँ पर, टर्मिनल है स्टॉप, और यहाँ पे एस टेंस टू बी है मैंने ऐड कर दिया, क्लियर है? ए का क्या होगा? सब लोग बताए ए का क्या होगा? फर्स्ट ये आपका हो जाएगा ई हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा एप्सिलॉन। सबको क्लियर है क्या? जल्दी बताओ सबको पॉइंट क्लियर, यस या नो? ये सबको क्लियर? सब लोग चैट करके बताइए, समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिए। चलिए एक क्वेश्चन है, सब लोग को इसका आंसर मुझे बताना है। चलो क्वेश्चन बनाओ आप लोग। लिखा हुआ है एस टेंस टू, ये दिया है ई एफ जी, ठीक है एच, ठीक है, और साथ में क्या लिखा है यहाँ पे? डी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लिखा है ई टेंस टू ई, ई लिखा हुआ है यहाँ पर, साथ में एप्सिलॉन, एफ टेंस टू दिया है यहाँ पर जी और एप्सिलॉन, ठीक है, जी टेंस टू दिया है एच, एफ और एप्सिलॉन, एस टेंस टू दिया है एच और एप्सिलॉन, डी टेंस टू दिया है डी। सब लोग बताओ मुझे व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ एस? एम क्यू है क्या? एक पट, एक पट ना, यहाँ पे एक पट, ये हो गया, ठीक है, ये जी और एप्सिलॉन है, ठीक है, ये आपका जी एफ और एप्सिलॉन है, ये एच और, तो ये ई है, एस है, अच्छा ये ई लिख रहा है, अच्छा ई बोल रहा है, यस यस, एस हो गया, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये ई लिखा हुआ है ना, ये ई लिखा हुआ है, ये एफ लिखा है, ये एफ लिखा हुआ, ठीक है, देखो ये ई लिखा हुआ है, ये एफ लिखा हुआ है, ये जी लिखा हुआ है, ये एच लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर यस एच टेंस टू ये लिखा हुआ है, यस, ठीक है, बस इतना लिखा हुआ। चलो चलो देखो क्या पूछ रहे हैं आप, प्रीवियस क्वेश्चन में ई क्यों है, प्रीवियस क्वेश्चन में ई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखो ध्यान से, देखिए देखो एस टेंस टू ए था ना, उन्होंने कहा देखो यहाँ से एस टेंस टू ए था, यस, ए में ई आया कि नहीं आया ना, तो इसलिए यहाँ पर ई ले लिए। इससे पहले वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन को तो डिलीट कर दिया हमने, मतलब मिटा दिया। बताओ क्या क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन था, चैट बॉक्स में बताओ मुझे क्या क्वेश्चन था। हाँ ए बी, हाँ कैपिटल ए बी, हाँ 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 ठीक है, हाँ ये स्मॉल है, एफ है ना स्मॉल, एफ स्मॉल है ना, हाँ भाई स्मॉल है, ठीक है। देखो ध्यान से यही वाला क्वेश्चन पूछा था मोनिका, इसी क्वेश्चन डाउट है आपका, ये ए टेंस टू बी ए, एक मिनट मोनिका ना, अगर आप बोल रहे हैं कुछ तो ये क्वेश्चन है बी टेंस टू, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है क्या, बी टेंस टू, ओके ओके ये क्वेश्चन है, अच्छा चलो क्या क्वेश्चन था, ए टेंस टू बी ए था है ना, और क्या था, बी टेंस टू डी ए था, और क्या था, डी टेंस टू ई था, डी टेंस टू ई था है ना, ये मोनिका ये क्वेश्चन था, यस। देखो यहाँ पर इसका देखो फर्स्ट निकल, ए का बी का और डी का है ना, यस, देखो B टेंस टू डी बी था, अच्छा डी बी था, ओके ओके ठीक है, ठीक है ना, देखो ध्यान से, यस यस ठीक है ना क्वेश्चन, ठीक है, यस। देखिए ध्यान से यहाँ पे A से B आया ना मोनिका, देखो ध्यान से A से B आया, B से टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल ना, इट इज वेरिएबल, A टेंस टू B, B से क्या आ गया, D आया, और D से क्या आएगा, E आएगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे E लिखा, क्लियर है, यस या नो?
समझना, ए से बी, बी इज ए वेरिएबल, बी से डी, डी इज ए वेरिएबल, तो डी डी टेंस टू ई, जब तक टर्मिनल नहीं आएगा या एप्सिलॉन नहीं आएगा हम लोग चलते जाएंगे। क्लियर है? यस या नो? क्लियर? ठीक है, कंफ्यूजन खत्म। यहां से बी से डी, डी से ई, और यहां पे भी डी डी से ई। क्लियर है? चलो चलो, सबने बना लिया इसको, चलो चलो सब लोग आंसर मैच करेंगे। ठीक है, यहां पे देखो, ऐसा है, ठीक है, एस से ई आया, ई से क्या आएगा, ई आएगा, एप्सिलॉन है तो क्या करेंगे, पॉइंटर आगे मूव करेगा। यस, एफ टेंस टू जी, एप्सिलॉन है क्या, पॉइंटर आगे मूव करेगा, ठीक है, फिर जी, जी टेंस टू एफ है, लिखो एप्सिलॉन है, पॉइंटर आगे मूव करेगा। एस टेंस टू क्या है, एच है, फिर क्या आया, एप्सिलॉन आया, एप्सिलॉन कुछ आगे है क्या, नहीं, तो एप्सिलॉन को भी ऐड करोगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा कुछ। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एप्सिलॉन को क्यों ऐड किए, डी तो अलग प्रोडक्शन है ना, ये अलग, ये लिखा ना, ऑब्लिक लिखा ना, ये अलग प्रोडक्शन, तो इसलिए, हाँ इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन होगा और साथ में क्या होगा, फिर एक प्रोडक्शन और बचा हुआ है, तो डी को लिख लो यहाँ पे, पर यहाँ पे एप्सिलॉन भी आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस या नो? यही क्वेश्चन है, तो उनमें अगर आपने एप्सिलॉन नहीं लिखा तो क्वेश्चन गलत हो गया। क्लियर है? अब लिख लो, बाकी तो एकदम ईजी है। क्या आ गया, ई और एप्सिलॉन, क्या हो गया, एफ का क्या आ गया, जी और एप्सिलॉन, और जी का क्या आ गया यहाँ पे, एफ और एप्सिलॉन, और एच का क्या, सॉरी एच का क्या आ गया यहाँ पर, एच और एप्सिलॉन, हो गया बस, ये इसका आंसर। क्लियर सबको? सब लोग बताएंगे यहाँ तक अपन, सबको क्लियर? यस,